यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो बड़ी लड़ाई लड़ने से पहले छोटी हार का सामना करना पड़ रहा है, प्रवीण तोगड़िया ने यह बात कही है। उसके साथ ही अनिश्चितकालीन अनशन का ऐलान भी उनकी ओर से किया गया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे खबर फतेहाबाद से, जहां पर क्षेत्र में खेतों में खड़ी गेहूं में आग लगने से कई एकड़ जमीन गेहूं जलकर खाक हो गई है। खेतों में गेहूं निकाल रहे कंबाइन में अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी चिंगारी गेहूं के खेतों में जा गिरी। देखते ही देखते कई एकड़ जमीन जलकर खाक हो गई और कंबाइन भी जल गई। और मामले की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसानों का कहना है कि आग लगने से करीब लाखों का नुकसान हो गया है, सरकार और प्रशासन इसका उचित मुआवजा दे ताकि आने वाले समय में वो अपना जीवन यापन कर सकें। ये गेहूँ की कटाई कर रही थी कंबाइन और इसमें से कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है केबल का, तो लगभग कंबाइन तो लगभग ख़त्म है और गेहूँ भी काफ़ी 70-80 के लेवल मतलब ख़त्म हो गया। ये कंबाइन बोसवाल गांव से चंदन सिंह चनोद दिलीप सिंह थी और यहाँ से कटाई कर रही थी और 80-90 किले ख़त्म हो गई। हम तुरंत यानी मौके पर पहुंचे, एक मार्केट कमेटी की गाड़ी आई, एक हमारे नगर परिषद की आई और आधे घंटे में आकर आग पर काबू पा लिया। ये आग कहाँ लगी थी, कितने के एकड़ के अंदर अंदाजा आप लगा है? जमींदारों से पूछ के बताएंगे कि किस वजह से लगी आग, किसने मान सकते हैं 50-60 एकड़ के अंदर ही है? नहीं जी, अभी तो देखते नहीं, हमें अभी आए हैं, आग पर कंट्रोल हुआ, देखते हैं।